हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कशन किया था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है जी। तो विद्युत क्षेत्र क्या था हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसको साइड में बताता हूं मैं। विद्युत क्षेत्र क्या था, एफ बराबर में क्यू ई, मतलब क्या बोला था, F बराबर में Q इक्वल टू क्या था, E था। तो हमने क्या बोला था कि हर आवेश जो है वो कुछ ना कुछ क्या लगाता है, बल लगाता है। तो हमने क्या बोला था, उसके जो क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश एंटर करेगा, मतलब दूसरा आवेश अगर उसके अंदर आएगा तो उसपे क्या लगेगा, बल लगेगा। वो बल किस प्रकार का हो सकता है, वो बल आकर्षण का भी हो सकता है और वो बल किसका हो सकता है, वो बल प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। ये दोनों बातें हमने डिस्कस करी थी। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने जाना था कि F बराबर में क्या होता है, क्यू ई होता है। F बराबर में क्या होता है, क्यू ई होता है। F बराबर में क्या था, बल। Q बराबर में क्या था, आवेश। और E बराबर में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हमने बोला था विद्युत क्षेत्र। क्लियर है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण के बारे में कल आपको बताया था, एक मकड़ी का जाल जिसमें हमने तीव्रता के लिए बात की थी। तो आवेश की तीव्रता की बात करेंगे, तो आवेश की तीव्रता के बारे में क्या बोला था, आवेश की तीव्रता के बारे में बोला था सेम चीज हमने बोली थी, बस हमने बोला था कि जो परीक्षण आवेश है उसको हम यूज करते हैं। परीक्षण आवेश को यूज करते हैं, मतलब आवेश को हमने क्या मानना है, एकांक मानना है, मतलब एक मानना है। एक मानने के लिए बराबर में क्या आ जाएगा, ई बराबर में क्या आ जाएगा, ई बराबर में क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ई बराबर में क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। मतलब विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर हो जाएगा, उसके बल के बराबर हो जाएगा। वो उसका क्या था, आवेश की तीव्रता थी। तो लास्ट लेक्चर जिसने नहीं देखा वो जाके लास्ट लेक्चर देखें, ताकि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर हम अगली बात करते हैं। हां जी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आपने बोला कि सर एक विद्युत क्षेत्र हम पढ़ के आ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र रेखाओं में क्या डिफरेंस है। तो मैं अगर मोटी मोटी बात बोलूं तो ये बात होगी कि हमने बोल दिया कि जैसे आपको मैंने बोला कि एक मोटरसाइकिल है, तो आप पूछोगे सर कौन सी, तो मैं बोलूंगा कि यामा कंपनी की है या रॉयल एनफील्ड है। तो आपने बोला कि सर रॉयल एनफील्ड है, तो आपके दिमाग में रॉयल एनफील्ड की एक इमेज बन जाएगी। अगर वो इमेज मैं आपको दिखा दूं, तो आपको पता लग जाएगा कि रॉयल एनफील्ड ऐसी होती है। और अगर इससे पहले आपने वो इमेज नहीं देखी या वो बाइक नहीं देखी, तो आपको क्या होगा, उसके बारे में अंदाजा नहीं होगा। तो विद्युत क्षेत्र एक हमने क्या बोला था, हम मानते हैं, हाइपोथेटिकल है, मानते हैं, आभास करते हैं कि इसके आसपास आवेश के आसपास क्या होता है, एक क्षेत्र बनता है जिसमें कुछ बल लगता है। ये बात हमने आपको बताई थी। तो हमने कैसे बताया था, हमने ये बोला था कि उसके अंदर कोई भी आवेश अगर एंटर करता है तो उसके अंदर आवेश का आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। अगर उसके समान होगा मतलब प्लस का होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और माइनस का आएगा तो प्लस माइनस आएगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा। ये बात हमने आपको बताई थी। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी कि हमें पता लगा कि लाइन्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक चलती हैं, इनकी सीमाएं क्या हैं, इनकी ये कहाँ से कितनी फील्ड बनाती हैं और इसकी सिग्निफिकेंट क्या है, मतलब कहाँ से चलेंगी और कहाँ तक खत्म हो करेंगी। तो हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हमारी हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। मैं अगर इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो इंग्लिश में लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। शायद दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी बोलते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, एक एक चीज को वापिस से पढ़ेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे, और जो चीजें रह जाएंगी उसको हम बोर्ड पे बताएंगे, और एक भी चीज नहीं रहेंगी। ये चीजें इसलिए पहले लिखी गई हैं ताकि अगर ये चीजें लिखेंगे तो आपका समय बचेगा। तो आपको ये चीजें आपको लिखवा दी, और जो आपको नोट्स देंगे उसमें भी आपको ये चीजें मिलेंगी। बात करते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं जी हम। अच्छा, फर्स्ट हमारा है आवेश समुदाय का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बिल्कुल सटीक बात हमने कल की थी। आवेशों का समुदाय मतलब आवेशों का एक गुच्छा या ग्रुप ले लेते हैं,
जिसके अंदर आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। F बराबर में QE, F क्या होता है, बल होता है, Q क्या होता है, आवेश होता है, E क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, ये बात हमने पढ़ी थी। अच्छा जी आगे हम पढ़ते हैं, फर्स्ट जो सेकंड पॉइंट है इसका, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चल के ऋणावेश पे समाप्त होती हैं। अगर हम बात करेंगे धनावेश से चल के ऋणावेश पे समाप्त होती हैं, अगर ये प्लस लिया और ये लिया हमने माइनस, तो ये क्या करेंगी, ये इस टाइप से चलेंगी, ये इस टाइप से चलेंगी, ये इस टाइप से चलेंगी और ये इस टाइप से चलेंगी। मतलब हमने क्या बोला, धनावेश से चलकर ऋणावेश पर खत्म होती हैं, धनावेश से चलकर ऋणावेश पे क्या होती है, खत्म होती हैं। जैसे लिखो इसको, इसको ऐसे बनाओ जी, इसको ऐसे बनाओ जी, इसको ऐसे बनाओ जी। अच्छा जी ये बात ऐसे बनाया हमने, क्या बोला, एक धनावेश चली और ऋणावेश पे क्या होगी, खत्म हो गई जी। बात समझ आ गई, पहला पॉइंट हमने समझ लिया, धनावेश चली और ऋणावेश पे खत्म होगी। ये जो मैंने बनाया है इस पे हम सारा काम करना स्टार्ट करेंगे, वो कैसे करेंगे हम देखते हैं। अच्छा, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसे बल रेखाएं बनाते हैं प्लस माइनस की, अगर ऐसे बल रेखाएं बनाते हैं तो ये आपस में क्या काट रहे हैं क्या, अगर ये एक दूसरे को ऐसे काट देती हैं तो दोनों बल रेखाओं के स्पर्श रेखा में एक क्या लगेगा, बल फोर्स निकलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं, तो वो बल निकलेगा और एक काटन बिंदु के कारण कितने बल निकल गए, दो बल निकल गए, जो कि एक स्पर्श रेखा के कारण क्या, एक काटन बिंदु के कारण दो स्पर्श रेखाएं निकली, जिसमें क्या निकले, दो बल निकले, जो कि हमने क्या बोला, जो क्या बोला, विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेगी, जो कि संभव नहीं है। वापिस समझेंगे, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। वैसे तो मेरे को पता है आप 10वीं क्लास में ये पढ़ के आ चुके हो, पर फिर भी हमारा कराना फर्ज है और हम बताएंगे आपको, एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि अगर काटती है तो काटन बिंदु पर, ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है इस पर लिख देता हूं मैं, दो स्पर्श रेखाएं और दो विद्युत क्षेत्र व्यक्त होंगे। अब देखो जी वापिस बता देता हूं इसको, अगर आपको विजिबल है यहाँ पे तो मैं बताता हूं कि जैसे मान लो ये दो बल रेखाएं थी, इन्होंने आपस में काट दिया, तो स्पर्श रेखा से एक बल निकला और दूसरी स्पर्श रेखा से दूसरा बल निकला, हम ऐसे बोल देते हैं। बात समझ आ गई। अब देखो क्या होगा कि अब देखो ये जो फोर्स निकला है, ये जो बल निकला है, हमने पढ़ा हुआ है F बराबर में QE। अगर मैं इसको F1 बोलता हूं और इसको F2 बोलता हूं, तो F1 बराबर में क्या आएगा, QE1, और F2 बराबर में क्या आएगा, QE2। क्यों इसलिए चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एक ही आवेश से निकलने वाले बल है ये। तो अब देखो F1 बराबर में QE1 और F2 बराबर में QE2। तो अगर ये अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं तो दोनों के लिए फोर्स भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया, और दोनों के लिए फोर्स अलग अलग हो गया, जो विद्युत क्षेत्र के बल रेखाओं के नियमों का पालन नहीं करता। तो हमने क्या बोला कि कभी भी बल रेखाएं जो है आपस में क्या नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है। क्लियर बात क्लियर। अच्छा जी इसको इरेज कर रहा हूं ताकि आपको अगले वाला पॉइंट बता सकूं जी। टेंशन मत लो, अगर आपको लग रहा है स्पीड ज्यादा है तो स्पीड को हम स्लो कर लेते हैं और हम इसको वापस डिवीजन भी करेंगे। अच्छा जी विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र की होती हैं, इसको मतलब बोलते हैं ये क्या होती हैं, ओपन कर्व्स की होती हैं। अगर कुछ और लैंग्वेज में बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, ये सदैव धनायन से प्रारंभ होकर ऋणायन पर खत्म होती हैं। बात समझ आई। तो हमने क्या बोला कि ओपन कर्व्स की होती हैं और कहां से स्टार्ट होती हैं, धनायन से स्टार्ट होकर कहां पर खत्म होती हैं, ऋणायन पर खत्म होती हैं। इसके भी एक जो मैं बना रहा हूं, ये चार इसकी जो पूंछ बनाई हैं, इसकी भी आपको मैं एक चीज समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ सके। अच्छा जी एक अगली बात पढ़ते हैं, विपरीत प्रकृति के मध्य आकर्षण होता है। पहले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं लंबाई के साथ सिकुड़ने की प्रवृत्ति के कारण, मतलब कहने का मतलब कि अगर प्लस माइनस है तो क्या करेंगी, आपस में क्या आएंगी, पास पास आएंगी। तो जितने पास आएंगी। अब एक बात बताओ मेरे को, एक सिंपल सी बात समझाओ। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर एक फील्ड लाइन ऐसे है, एक ऐसे है, दूसरी ऐसे है, तीसरी ऐसे है, चौथी इसके नीचे है जो आपको दिखेगी नहीं, और पांचवी ये फील्ड लाइन्स है। अब इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, इसके बीच में से आसानी से निकला जा सकता है,
इसके बीच में आसानी से निकला जा सकता है। अगर मैं ये लाइंस ऐसे भर दूंगा, ये लाइंस मैं ऐसे भर दूंगा, ये मैं लाइंस ऐसे भर दूंगा, मतलब इसको काट नहीं रहा, ये लाइंस ऐसे भर दूंगा, अब आप कहोगे कि सर जो बीच में से गुजरने का रास्ता है वो बहुत तंग कर दिया आपने। वो तंग करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बहुत ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब विद्युत बल रेखाएं बहुत ज्यादा होगी। अगर विद्युत बल रेखाएं बहुत ज्यादा होगी तो यहाँ पे विद्युत बल रेखाओं का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, जहां पर ज्यादा लाइन्स होंगी, विद्युत बल रेखाएं ज्यादा होंगी, वहां पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये बात आप ध्यान रखना, जिंदगी में कभी भूलना नहीं, ठीक है जी। इसको मैं रेज करता हूँ, अगर आगे आएगा तो आगे पढ़ा देंगे, नहीं तो इसमें आपको मैंने बता ही दिया, एक बार फिर बता देंगे। अच्छा जी, हाँ जी, अब अगला पॉइंट क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं समांतर एवं समान दूरी पर होती हैं। मतलब इसने बोला कि अभी जो बताया है मैंने, अगर एक समान दूरी पर होती हैं तो ये क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और क्या होती हैं, समान दूरी पर होती हैं। अगर इस पॉइंट को आप लिखना चाह रहे हो तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम से ही पता चल रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि बिल्कुल समान, समान, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि इससे आपको एक हिंट मिलेगी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमारे स्कूल्स में यूनिफॉर्म लगती है, यूनिफॉर्म हम बिल्कुल टिप टॉप होके जाते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन से जाते हैं, हम कुछ भी शरारत करते हैं तो हमें क्या पड़ती है, मार पड़ती है या हमें डांट पड़ती है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, कोई भी रुकावट नहीं, कुछ भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, हम बिल्कुल टिप टॉप होके जाएंगे। मतलब उसने क्या बोला, यूनिफॉर्म मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में, मतलब वो क्या होगी, समांतर एवं समान होगी, उनके बीच में दूरी और वो बिल्कुल समांतर होगी, दूरी का मान बिल्कुल बराबर होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म याद रखो, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, हम स्कूल में जाते हैं यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन से जाते हैं, तो ये भी क्या है, समांतर और समान दूरी के साथ बिल्कुल डिसिप्लिन से चलेंगी, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। क्लियर बात। अच्छा जी, आगे क्या पढ़ा है, विद्युत बल रेखाएं जहां से चलती हैं और जहां जाकर मिलती हैं अर्थात पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो हमने क्या बोला, ये क्या होती हैं, हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये जो पॉइंट है वो स्टार डाल लो, ये पॉइंट स्टार डाल लो और ये पॉइंट स्टार डाल लो। एक नंबर या दो नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, अगर पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ये पूछा जाएगा कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो चलती हैं, वो पृष्ठ क्या होती हैं, वो पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं। अगर आपको आगे इस पे न्यूमेरिकल कराएंगे तो लंबवत पे न्यूमेरिकल कोस 90 डिग्री हमें मान रखना पड़ेगा, वो आपको मैं समझा दूंगा। क्लियर बात, क्लियर बात। इसको एक बार मैं मिटो रहा हूं, नीचे वाले को इसको मैं मिटो रहा हूं और आपको एक मिनट का समय देता हूं ताकि आप इसको उतार लीजिए और हम इसको एक बार वापिस आपको बिल्कुल तरीके से और बड़े प्यार से वापिस समझाएंगे। पृष्ठ के लंबवत होती है, अगर मैं इसको लिखता तो हमारा कम से कम 25 मिनट लग जाते हमें लिखते लिखते और समझते समझते। ये इसलिए लिखा गया और आपको अच्छे से समझाया गया, इसको जो हमने वो टाइम यूज करना था लिखने में वो टाइम हम एक और बार समझने में यूज करेंगे। क्लियर है, उतारो जी। अच्छा, अभी किस बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कोई चक्कर नहीं, स्क्रीनशॉट भी सही लगे। अच्छा, टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब देखो जी, वापस पढ़ते हैं, अब हम टिप्स पे पढ़ेंगे, ठीक है, जो चीज़ें रह जाएंगी उसको वापस पढ़ लेंगे। क्लियर है। अच्छा, फर्स्ट हमने क्या बोला, समुदाय के लिए विद्युत क्षेत्र होता है, बात हमारे यहाँ पर लैंग्वेज में पढ़ेंगे, हम इसको छोड़ देते हैं। समुदाय के लिए एक विद्युत क्षेत्र होता है, क्लियर बात। दूसरा हमने पढ़ा कि ये पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक है। तीसरी बात क्या, आपस में कभी भी काटती नहीं है, ठीक है, जहां पर एक साथ इकट्ठी लाइन होगी वहां पे फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, चार बन लिया। उसके बाद हमने क्या बोला, प्लस से चल के हमेशा माइनस पे खत्म होती हैं, ठीक है। अब मैं बोला कि ये ओपन वक्र की होती है, मतलब खुले वक्र की होती है, कितने हमने बोल लिए, पांच और एक छह, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है, छह कंप्लीट कर दी। कुछ रह रहा है, एक रह रहा है, कौन सा 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 रह रहा है, ये जनावेश करके जनावेश पे खत्म होती है, एक एक दूसरे को काटती नहीं है, खुले वक्र की होती है, विपरीत के मध्य तो आकर्षण प्रतिकर्षण वाला रह गया था, तो हमने क्या, विपरीत के अंदर आकर्षण प्रतिकर्षण होता है। तसल्ली से वापिस से एक बार फिर पढ़ेंगे ताकि हमें यहीं पर याद हो जाए। फर्स्ट, समुदाय में विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर चलती है,
विपरीत के बीच में आकर्षण होता है, खुले वक्र की होती है और आपस में काटती नहीं है। क्लियर, सारी बात क्लियर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। क्लियर, छह के छह पॉइंट क्लियर है। अब मैं जो दो पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं उस वो पॉइंट हम इसको पहले नीचे वाले दो तीन इरेज कर देंगे, वो क्या होंगे उसके बाद आपको बताएंगे ताकि आपको वो थोड़ा सा याद रहे। चलो इतना सफिशियंट है, इतना सफिशियंट है, इतने में हम लिख देंगे। अच्छा, क्या होता है जिसमें एक होता है प्लस का पॉइंट, एक होता है माइनस का पॉइंट। क्लियर है, हमने एक बल्ब रेखाएं बनानी स्टार्ट करी, ये हमारी बल्ब रेखाएं बन गई। तो हम एक चीज याद रखना जी हमेशा, एक चीज हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव में जो बनने वाली फील्ड होती है वो हमेशा बाहर की ओर होती है। इसको बोलेंगे बाहर की ओर, मतलब आउटवर्ड, मतलब बाहर की बाहरी की ओर बनती है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम माइनस के लिए लेते हैं उसके लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं, वो हम क्या करते हैं, वो अंदर के लिए होती है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की एक प्रॉपर्टी है, प्लस के लिए बाहर की ओर और माइनस के लिए अंदर की ओर। बात समझ आ गई। अब हमने बोला अगर खाली दो प्लस की बात करना चाहे, अगर खाली दो प्लस की बात करना चाहे तो कैसे बात करेगा, वो ऐसे बात करेगा जी। इसको मिक्स मत कर देना बीच में, ये अलग है। वो कैसे बात करेगा, ऐसे बात करेगा। और प्लस माइनस की बात करेगा, प्लस माइनस की बात करेगा तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। अगर आपने फील्ड लाइंस एक बार नहीं शो करनी तो आप ऐसे शो कर सकते हो, ये अंदर की ओर है इसके। ठीक है जी, ठीक है। प्लस में कहां से है, बाहर की ओर, और माइनस में क्या, अंदर की ओर। बात समझ आएगी, बात समझ आएगी। तो मिटो दें वापिस इसको। ठीक है जी, अच्छा जी, कल हमारा टॉपिक एक रह गया था जिसको हमने बोला था, अध्यारोपण का सिद्धांत। ये परसों टॉपिक बोला था, बिकॉज हम आज करने वाले थे उसमें दो टॉपिक ऐड होंगे। तो आज हमने अध्यारोपण का सिद्धांत में हमने क्या देखा, अध्यारोपण का सिद्धांत मान लो कि बहुत सारे आवेश का मतलब क्या हो गया, जिसमें एक परिणामी आवेश लिया हमने Q नॉट, इसके साथ बहुत आवेश बड़े हैं, मतलब हम बोलेंगे 1, 2, 3, n, qn। क्लियर बात। जिनके लिए डिस्टेंस क्या लेंगे, R1, R2, R3, sorry, R0, R3 and R4, sorry, Rn, है ना। अच्छा, अब हमने क्या बोला कि हर चार्ज जो आवेश है उसका किसी ना किसी के साथ कनेक्शन है। वो कनेक्शन किस टाइप से, वो कनेक्शन इस टाइप से, F0n, F03, F01 और F02। क्लियर, क्लियर है। तो अगर हम बात करेंगे Q1 की, तो आप बोलोगे सर Q1 का कनेक्शन Q2 के साथ भी है, Q3 के साथ भी है, Qn के साथ भी है, Q0 के साथ भी है। तो अगर हम बात करेंगे F1 की, तो आप क्या बोलोगे, F12
F13, F14, डैश 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 F1n। बात समझ आ गई? तो इसके लिए क्या लिखोगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 कैप। ठीक है जी। अगला Q1 Q3 R23, हाँ 21 R31 का स्क्वायर R31। Q1 Qn 4 लिखा है क्या, 4 लिखा तो लिखो, R41 का कैप, डैश 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 Q1 Qn R1n का कैप। ठीक है जी, ये तो हमने लिख लिया F1 के लिए। अगर F2 की बात करोगे तो क्या लिखोगे, F21 F23 22 23 F24 डैश 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 F2n। इस तरह से बात करोगे। उतारो जी, उसके बाद हम जो टेस्ट चार्ज लिया है ये हम बोलेंगे Q0 चार्ज के लिए बात करना स्टार्ट करेंगे। इसको उतारो जी। आओ जी अगला हम देखते हैं। अब एफ नोट की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, F01 F02 F03 डैश 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 F0n। क्लियर बात? तो क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q0 R10 का स्क्वायर R10 कैप। इसमें मैंने कॉमन लेके कुछ लिखा नहीं, ठीक है जी। Q1 Q2 Q0 R12 का स्क्वायर, क्लियर बात, 20 का स्क्वायर R20 है। Q3 Q0 R30 का स्क्वायर R30 है। डैश 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 कहाँ तक, Q0 अपॉन RN0 का स्क्वायर RN0। ऐसे हम इसको n तक लिखेंगे। अगर प्रॉपर लिखना चाह रहे हो तो क्या लिखेंगे, 1/4πε0 i=1, i का वैल्यू 10 तक, Q0 Qi Ri0 का स्क्वायर Ri0 का कैप। तो क्या आएगा, Q0 बार आ जाएगा जी, 1/4πε0 आ जाएगा, समीशन ऑफ i=1 i=n Qi अपॉन Ri0 का स्क्वायर Ri0 का कैप। ये किसका वैल्यू आ जाएगा, F0 का वैल्यू आ जाएगा। उतारो जी, ये आपका अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। तो टोटल बात क्या बोलना चाह रहे, कितने भी चार्ज ले लेंगे, कितने भी आवेश ले लेंगे, उनका हमने क्या करना है, उनका जोड़ करना है। तो जोड़ कैसे करना है, सदिश योग करना है। कौन सा योग करना है, सदिश योग करना है। अगर मैं बात करूंगा बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूंगा, उसमें आपने क्या करना है, E की वैल्यू क्या लेनी है, E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश 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 EL तक। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई, ठीक है जी। उतारो जी, उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना नहीं तो। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। जो बच्चे वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला नहीं कर पाएंगे उनको वापस करवाएंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, आसपास दोस्तों को बोले चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रॉपर लेक्चर रेगुलर लेक्चर देखते रहें। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मम्मी पापा की बात माने, लेक्चर प्रॉपर देखें और पढ़ाई भी रेगुलर करें। थैंक यू वेरी मच।